यूपी निकाय चुनाव प्रचार से जुड़ी खबरों के लिए देखिए यूपी निकाय इलेक्शन टॉप 9। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए विरोधियों पर करारा प्रहार किया। ये सपा बसपा के कचड़े को साफ करने का चुनाव है, उनकी अराजकता को, उनकी अवसरवादिता को साफ करने का चुनाव है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में चुनाव प्रचार को संबोधित करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, लेकिन पिछले 6 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। पहले उत्सव आते थे तो भय का माहौल बन जाता था, लेकिन अब दीपोत्सव प्रदेश की पहचान बन गई है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दूसरे चरण के निकाय चुनाव प्रचार के लिए आज सोनभद्र, भदोही और अयोध्या का दौरा किया। बीजेपी उम्मीदवारों को जिताकर ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की अपील की। समाजवादी पार्टी के सरकार के समय निकाय चुनाव प्रचार के लिए मेरठ पहुंचे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मेयर प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकारें झूठे वादों पर टिकी हैं। जनता जिस तरीके से नाराजगी दिखा रही है, बीजेपी के डबल इंजन और ट्रिपल इंजन को इस बार उखाड़ फेंकेगी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव प्रचार के दौरान अलीगढ़ में कहा कि हमारी आपकी जिम्मेदारी है, ऐसे लोगों को ताली में बंद कर दो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत, उनका उनका संविधान, उनका बताए हुए रास्ते को बदल रहे हैं। मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने आज कानपुर में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी वंदना वाजपेयी के पक्ष में रोड शो किया। बाबूपुरवा इलाके से शुरू होकर ये रोड शो यशोदा नगर बाईपास पर खत्म हुआ। इस दौरान उन्होंने लोगों से एसपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। स्मृति ईरानी ने आज यूपी निकाय चुनाव के लिए अमेठी में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए रोड शो और जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को जिताकर बीजेपी ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की अपील की। यूपी निकाय चुनाव प्रचार के लिए कासगंज पहुंचे एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि डबल इंजन सरकार हर मोर्चे पर फेल है। 2024 में यूपी से बीजेपी का सुपड़ा साफ होने का दावा किया। पंचर तो बन जाता है, साइकिल फिर दौड़ भी जाती है, लेकिन कमल का फूल एक बार मुरझा जाता है तो दोबारा वो खिलता नहीं। रायबरेली में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा का जिम्मा खुद कांग्रेस नेताओं ने संभाल रखा है। कांग्रेस नेता बारी बारी से स्ट्रांग रूम के बाहर ड्यूटी दे रहे हैं। रायबरेली में एक नगर पालिका और 9 नगर पंचायतों के लिए पहले चरण में मतदान हुआ था।